हम लोग का जंगल में बरवाहिया डैम बोला जाता है जी अगर वो हम लोग का बना जाता है तो हमारा पंचायत ही नहीं मतलब अदर पंचायत का भी जो है सो लाभ मिलेगा मिल सकता है अच्छा इसके लिए बहुत बार अफसर लोग आए लगभग लगता है पंद्रह बीस साल हो गया आए और मतलब गए लेकिन इसके लिए कुछ मतलब कुछ नहीं कर पाए तो हमसे यह कहना है जी। कि आप आए हैं आपको बहुत धन्यवाद है जी। और हो सके तो आगे तक बात के बाद इसको फैलाना है जी। ताकि मतलब राम मांझी जी हो गए विधायक तो विधायक जी हाँ जी हाँ तो उन लोग का भी मतलब ये खबर होना चाहिए कि मतलब हाँ। यहाँ पे सिंचाई का बहुत समस्या है अच्छा। और हम लोग का क्या चीज बोलते हैं अस्पताल का भी बहुत दिक्कत है आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूँ इमरान अली आज मैं यहाँ पर आया हूँ ये इमामगंज प्रखंड का सुदूरवर्ती गांव छतरपुर है और ये इमामगंज से लगभग बारह तिलक किलोमीटर की दूरी पर है ये नगवा पंचायत के अंतर्गत आता है हमारे पीछे बैठे हैं यहाँ के नवनिर्वाचित मुखिया मनोज दास जी हम इनसे बात करेंगे इस पंचायत के विकास को लेकर इस पंचायत की समस्याओं को लेकर और उन तमाम मुद्दों पर मुखिया जी से हम बात करेंगे अपने ख़ास कार्यक्रम के लिए सुनिए मुखिया जी का कहिन मुखिया जी आपका शिरघाटी आजकल में स्वागत है धन्यवाद ये बताइए कि आप पहली बार चुनाव जीते पिछली बार भी आप चुनाव मैदान में आए थे लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए थे क्या कहेंगे अपने पंचायत के लोगों को किस तरह उनका धन्यवाद करेंगे कैसे आपकी जीत हुई पिछले बार भी हम चुनाव लड़े थे जी तो कुछ वोट से मतलब पीछे रह गए थे जी लेकिन उसके बाद भी मतलब जनता के बीच में हम हमेशा रहें और जनता हम पर विश्वास किए और दूसरे बार मतलब हमको वोट किए अच्छा खासा से वोट से जीता है पंचायत के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कौन कौन गांव है इसके अंतर्गत हमारे पंचायत में तेरह वार्ड पड़ता है जिसमें गोवाडी पड़ता है जी। उजार बहरा हो गया कुंडीलपुर हो गया कनौदा हो गया नगमा हो गया दर्जी बीघा हो गया फ़तेहपुर हो गया पथरा हो गया सलवार हो गया और क्या चीज़ बोलते हैं केसगा हो गया नवा खाप हो गया रामपुर हो गया मंजरा नावाडी और छतरपुर तो उसमें कुछ टोला भी है क्या जी जी कौन टोला को क्या है मेरा ही एक छतरपुर का टोला ढोंगेला बोलते हैं भी और एक नगमा का भी टोला पड़ता है जिसे जय बिघा बोला जाता है जी और सलवार का भी टोला पड़ता है जिसका बांधा बोलते हैं जी और उजार बहरा का जो टोला है जिसे गुवाडी हम बोले वो उजार बहरा का ही टोला पड़ता है जिसे गुवाडी बोलते हैं जी ये क्या इसकी चौहदी है जो आपका ये पंचायत है जी तो ये तो पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है आपका ये छतरपुर तो इसका इस पंचायत की चौहदी क्या है ये झारखंड की सीमा भी है तो आसपास का जो पंचायत है वो कौन 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 पंचायत है चौहदी का बात है तो पहला मेरा पूरब साइड में जो पड़ता है प्रखंड पड़ता है झारखंड में पड़ता है जी उसका पंचायत गजा है दक्षिण जी झारखंड का दूसरा में दक्षिण साइड में जाते हैं तो इमामगई प्रखंड का नोडीहा पंचायत पड़ता है जी उत्तर भर में जाते हैं उत्तर साइड में जाते हैं तो बांकेबाजा प्रखंड का परसामा पंचायत पड़ता है और पश्चिम साइड जाते हैं तो इमांगे प्रखंड का कुजेसर पंचायत पड़ता है इस तरह से मेरा गांव का चौहदी है पंचायत का चौहदी थोड़ा आपके गांव में भ्रमण करते हैं और क्या यहाँ की समस्याएं हैं उसको लेकर आपसे हम बात करते हैं जो पंचायत है तो इसमें क्या इसकी प्रमुख समस्या है यहाँ पर मुख्य रूप से किस तरह की परेशानी है लोगों को हमारे पंचायत में अभी बहुत तरह की परेशानी है जैसे बहुत ऐसा वार्ड है जहाँ पे रोड का पूरा व्यवस्था नहीं मिला है हम लोग के सिंचाई का सबसे ज़्यादा परेशानी है हम लोग का एक जंगल में बरवाहिया डैम बोला जाता है जी अगर वो हम लोग बना जाता है हमारा पंचायत ही नहीं मतलब अदर पंचायत का भी जो है सो लाभ मिलेगा मिल सकता है अच्छा इसके लिए बहुत बार अफसर लोग आए लगभग लगता है पंद्रह बीस साल हो गया आए और मतलब गए लेकिन इसके लिए कुछ मतलब कुछ नहीं कर पाए तो हमसे यह कहना है जी। कि आप आए हैं आपको बहुत धन्यवाद है जी। और हो सके तो आगे तक बात के बाद इसको फैलाना है जी। ताकि मतलब राम मांझी जी हो गए विधायक विधायक जी, जी हाँ जी हाँ तो उन लोग का भी मतलब एक खबर होना चाहिए कि मतलब हाँ। यहाँ पे सिंचाई का बहुत समस्या है और हम लोग का क्या चीज बोलते हैं अस्पताल का भी बहुत दिक्कत है हाँ, हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र जी जी नहीं जी नहीं हम लोग का जाना पड़ता है बारह तेरह किलोमीटर दूर अगर किसी का तबीयत खराब हो गया डिलीवरी केस करवाना हो गया तो हम लोग के बारह तेरह किलोमीटर दूर जाना पड़ता कहा? है हिमागई पड़ता है अच्छा। जी तो हम लोग इतना दूर रास्ता तय करके जाना पड़ता है इसके जगह इस, इसके बीच में कुछ भी मतलब दिक्कत हो सकता है तो इस तरह का समस्या है कि स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर नहीं है ये बड़ी समस्या है क्या क्या बात रखी है आपने जैसे संसद हो गए हैं सुशील कुमार जी उन लोग के सामने एक दो बार बात रखा गया है ऐसा नहीं है कि नहीं रखा गया है लेकिन जब वोट का समय आता है तो अपना अपना मतलब वो करते हैं कि नहीं सुविधा मिलेगा हाँ हर चीज़ का सुविधा मिलेगा लेकिन फिर दोबारा भूल जाते हैं और आप ही बताइए कि मतलब उतना दूर से चल कर आए हैं तेरह किलोमीटर से आप तो देखे होंगे खुद देखे होंगे कि इतना मतलब जंगल पहाड़ पार करके आपको यहाँ तक आना पड़ा है जब चुनाव हो रहा था पंचायती चुनाव तो मेरा जो गोवाडी एक गांव है हम वहां गए थे अपना वोट मांगने के लिए तो यहां से जाने का मतलब मुश्किल से दस मिनट टाइम लगता है लेकिन हमको डेढ़ घंटा तय करना पड़ा वो रास्ता अच्छा। वहां तक जाने के लिए इतना मतलब पिछड़ा हुआ हम लोग का गांव है कहीं कहीं समझे नहीं और हम लोग का समस्या यह है कि मतलब बिहार से झारखंड हम लोग का नज़दीक पड़ता है सात आठ किलोमीटर पड़ता है लेकिन हम लोग वहाँ तक नहीं जा पाते हैं इसलिए कि रोड का बहुत दिक्कत है अगर हम लोग का यहाँ से झारखंड का रोड अगर जुड़ जाता है तो बहुत अच्छा होगा और ज़्यादा कुछ नहीं है ये सिर्फ एक पुल हम लोग का कोयरिया नदी पड़ता है कोयरिया नदी अगर पुल बन जाता है और उस रास्ते को जोड़ दिया जाता है तो हम लोग के लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद हो जाता है हाँ हम लोग का पानी का जो लेवल है बहुत दूर तक है अच्छा। हाँ मतलब दो दो सौ फीट अगर अंदर हम लोग बोरिंग करते हैं उसके बाद ही पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है भरपूर अगर डैम बना जाता है तो डैम के माध्यम से हम लोग मतलब पूरा खेती का या मतलब तो पूरा पंचायत का मतलब बोल रहे हैं कि समस्या सॉल्व हो जाएगा जल संरक्षण को लेकर गया जिला को प्रथम स्थान मिला था जो छोटे छोटे गड्ढे बनाकर जल संरक्षण किया जाता है तो क्या काम हुआ उस तरह से आपके यहाँ ना हमारे पंचायत हमारे पंचायत में तो उस तरह से नहीं हुआ है सिंचाई का स्थिति हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है सिंचाई का तो हमारा अगर बांध बंधा बन, जाता है जैसे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जो हो है, बिहार का लघु सिंचाई मंत्री आपके चैनल के माध्यम से हम वहाँ तक बात पहुँचाना चाहते हैं अगर हमारा ये काम करवा देते हैं तो हमारे तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी मतलब चाहते हैं कि इस क्षेत्र में वो सिंचाई की व्यवस्था को ठीक करें जी हमारे क्षेत्र में सिंचाई का व्यवस्था का ठीक कर देते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा अच्छा और जल संरक्षण को लेकर काम हो अगर आपके यहाँ तो क्या जी हाँ जल संरक्षण का भी अगर काम करवा देते हैं हाँ तो हम लोग को बहुत सुविधा मिलेगा उससे भी जी।, जी आप इस संबंध में खुद भी डायरेक्ट जिला अधिकारी से मिल सकते हैं मुखिया के तौर पे जी तो क्या करेंगे आप हाँ तो हम कोशिश करेंगे वहाँ तक जाकर अपना बात को रखेंगे अच्छा ताकि हम लोग का मतलब जो कमी है वो पूरा हो नल जल का काम कितना हो पाया है हमारे पंचायत तो में नल जल का काम लगभग हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ ऐसा जगह रह गया है जहाँ पे नहीं हुआ है जैसे कि हमारे दर्जी बीघा का टोला पड़ता है और क्या बोलते हैं महुआ टाँड तो महुआ टाँड में भी जल का नहीं काम हुआ है एक हमारा ढोंगिलवा बोला जाता है छतरपुर का टोला पड़ता है वहाँ भी नहीं हुआ है एक रामपुर में जल नल जल का काम नहीं हुआ है और मंजरा का टोला पड़ता है जिसे क्या लीलामी मंजरा बोला जाता है वहाँ भी नल जल का काम नहीं हुआ है मुखिया जी आपने अपने क्षेत्र की बहुत सारी बातों को रखा बहुत सारी समस्याओं को रखा और निश्चित रूप से आपका ये सुदूरवर्ती गांव जहाँ विकास की आवश्यकता है आप जैसे युवक मुखिया बने हैं और ऐसी भावना आपके अंदर है कि क्षेत्र का विकास हो आपको हम एक बार बधाई देते हैं जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए थैंक यू सर आपको भी मतलब यहाँ तक वहाँ से चल कर यहाँ तक आने के लिए आपको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है धन्यवाद थैंक यू सर